हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी टाइम हो गए। ओके, सो आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट जो है वो जॉन कीट्स है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बड़ी अच्छी कविता है और इसमें कवि कहता है कि जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु। यानी वो कहता है कि जैसे हमारे जीवन में कोई अच्छा टाइम गुजरता है ना, कोई अच्छी घटना घटती है, तो हम हमेशा उसको याद अपने मेमोरी में रख लेते हैं। और जब भी है ना, हम उस फेज़ को याद करते हैं अपने लाइफ के, उस अच्छे फेज़ को, अच्छे समय को, तो वो हमें हमेशा खुशी प्रदान करता है। तो इसी तरह से कवि कहता है कि सुंदर वस्तु जो है वो हमेशा खुशी प्रदान करती रहती है। और जब कभी भी आप के जीवन में कोई निराशा हो, तो आप उस समय को, उस टाइम को याद करके अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं। तो ये है सारा का सारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स ने इसको लिखा है। ओके, लेट अस रीड दैट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज ए जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर मीन्स ना, ये हमेशा खुशी प्रदान करती है। इट प्रोवाइड हैप्पीनेस। जो सुंदर वस्तु होती है ना, वो हमेशा खुशी प्रदान करती रहती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज ए जॉय फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर ऑलवेज, ये हमेशा खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस सुंदरता, इनक्रीजेज, इसकी सुंदरता है ना बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस का मतलब इट विल नेवर कम टू एन एंड। यानी सुंदर वस्तु जो होती है ना, उसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा कवि का मानना है कि सुंदर वस्तु जो है उसका कभी अंत नहीं होता है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, वो कभी, उसका कभी अंत नहीं होता। बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। अब क्या कहता है जो सुंदर वस्तु वो क्या करता है, बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। क्वाइट माने शांत, काल्म होता है, काम, सी एल एम, काम, शांति। बोर क्या होता है, बोर होता है जो सेडी जो ट्रीज होते हैं ना, उनके नीचे जो शेड होती है उसको बोलते हैं बोर, शांत कुंज। तो कहता है सुंदर वस्तु क्या करता है, सुंदर वस्तु जो होती है, बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांत कुंज बना देती है सुंदर वस्तु। शांत कुंज कैसा, यानी जो हमें हमेशा शांति प्रदान करे। ठीक है, इससे आगे कहता है एंड ए स्लीप। और सुंदर वस्तु क्या प्रदान करती है हमें, एक तो एक है ना शांत कुंज प्रदान करती है, जिससे हमेशा हमें शांति मिलती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और सुंदर वस्तु हमें क्या देती है, ए स्लीप, स्लीप नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से, अच्छे सपनों से भरी हुई भरपूर नींद हमें प्रदान करती है। यानी सुंदर वस्तु देखने से है ना हमारा मन हमेशा खुश हो जाता है, उससे हमें चैन मिलता है, राहत मिलती है, शांति मिलती है। एंड हेल्थ, सॉरी, ये जो है हेल्थ, एच ई ए एल टी एच, हेल्थ, स्वास्थ्य। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग वही राहत की सांस, शांति। और हमें क्या प्रदान करती है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सुंदर वस्तु हमें अच्छी नींद प्रदान करती है, मीठे सपनों से भरपूर, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरपूर। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान कर, यानी आदमी खुश रहेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और राहत की सांस, यानी पूरी तरह से हमें क्या प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है सुंदर वस्तु। ओके, नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टंजा हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड पे आ जाओ। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग कह सकते हो, नेक्स्ट डे, द कमिंग डे। ठीक है, तो देयर फॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो कहता है, इसलिए प्रत्येक अगली सुबह को। आर वी रीडिंग, रीडिंग माने लपेटना, बनाना, रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी होता है फूलों वाला, बैंड होता है हार, टू बाइंड अस टू द अर्थ। कहता है इसलिए हर एक सुबह, क्या हम फूलों का एक हार नहीं बनाते हैं अपने आप को धरती से बांधने के लिए? यानी जब सुबह हम उठते हैं ना, तो भगवान को याद करते हैं, और जो घटना घटी है अच्छी, उसको याद करके उठेंगे, तो सारा दिन हमारा शांति से जाता है, अच्छा बीतता है, हम यही सोचते हैं। ठीक है,
आगे क्या कहता है, स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, डिस्पोडेंस क्या होता है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन। स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ये जो इनह्यूमन डर्थ है ना इसका मतलब होता है टेरिबल शॉर्टेज, भयानक कमी। टेरिबल शॉर्टेज यानी भयानक कमी, बहुत ज्यादा कमी है। यह क्या कहता है, इतनी निराशा के बावजूद एंड ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स भाई अच्छे आदमी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, कहता है इतनी स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पोडेंस निराशा, निराशा के बावजूद और अच्छे व्यक्तियों की भारी कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी फ्रस्ट्रेशन निराशा, इन निराशा के दिनों में, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कंड वेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कंड वेज का, वेज का मतलब होता है ओवर डार्कंड वेज, मिस्टीरियस हैपनिंग्स, मिस्टीरियस हैपनिंग्स क्या होती हैं, रहस्यमय घटनाएं, कहते हैं संसार में ना अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, इनह्यूमन डर्थ, अच्छे लोगों की भयानक कमी है यानी बहुत ज़्यादा कमी है, और इन उदासी के दिनों में इतनी सारी निराशा के बावजूद, ये कहता है ना मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, रहस्यमय घटनाएं, तो हमारे संसार में ना बहुत ज़्यादा रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जिसको ना जिसमें हम सर्च करते रहते हैं, यानी जो इतनी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं हम उनको अवॉइड करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ शांति तलाशते रहते हैं उनमें, तो कहता है यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, यानी संसार में ये जो संसार में जो भयानक कमी है अच्छे लोगों की, इतनी निराशा है, रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं, हम उनको अवॉइड करने के चक्कर में लगे रहते हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑल इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कहता कोई सुंदर वस्तु क्या करती है, मूव अवे द पाल, मूव अवे, मूव अवे का मतलब हटा देना, और पाल का मतलब, पाल होता है कवर, कर्टेन, पर्दा, कोई पर्दा हटा देती है, कहाँ से, फ्रॉम अवर डायरेक्ट स्पिरिट्स, डायरेक्ट स्पिरिट्स का मतलब स्पिरिट्स होती है आत्माएं, डायरेक्ट स्पिरिट्स निराश आत्माएं, यानी अगर हम निराश हैं ना तो क्या होता है कि कोई सुंदर वस्तु हमारे जीवन में, कोई अच्छी घटना घट जाए तो क्या होता है उससे, उससे क्या होगा, अच्छी घटना जब भी घटेगी ना तो हमारा मन खुश हो जाता है, तो कोई ना कोई अच्छी घटना घटेगी और हमारे मन में जो अशांति है वो वहाँ से दूर हो जाएगी। ये दो स्टंजाज हैं, इनका केवल ये मतलब बनता है, एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे आप, ओके।